एक बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दे जो सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी लगातार हावी है और अलग अलग मौकों पर यह तस्वीर सामने आई है और प्रदेश प्रभारी की नसीहत का भी कोई असर नहीं हुआ है। लगातार तीसरे दिन समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। आज यमुनानगर और करनाल से इस तरह के मामले सामने आए। यमुनानगर में सैलजा हुड्डा गुट में झड़प हुई है, उधर करनाल में हुड्डा और सुरजेवाला के समर्थक आपस में उलझ गए और इस दौरान जमकर जो है विवाद हुआ है। एमएलए बिशन लाल सैनी वो बैक के नारे लगे, करनाल में भी कार्यकर्ताओं में चले हैं लात घूंसे, जमकर झड़प हो रही है। हुड्डा और सुरजेवाला गुट में करनाल में नारेबाजी देखने को मिली, ऑब्जर्वर जिला प्रभारी गो बैक के नारे लगाए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा कांग्रेस पार्टी में बरपा हुआ है। यमुनानगर जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा गुट के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो आपस में उलझ गए। अरे तो मुझे बाप बेटे क्या सुन रहे हो, हमारे राज्य से तो सुना आपने किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग नेताओं के समर्थक हैं, वो किस तरह से उलझे हुए हैं और स्थिति इस तरह से बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि करनाल में जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में उलझ गए और कहा जा रहा है लात घूंसे भी चले हैं, धक्का मुक्की भी हुई है। छह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोई एक जगह का मामला नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का जींद, हिसार, नारनौल, गुरुग्राम, करनाल, चरखीदादरी, यमुनानगर, आज यमुनानगर और करनाल में ये पूरा प्रकरण पेश आया है जब ऑब्जर्वर पहुंचे फीडबैक लेने के लिए। लेकिन इस दौरान जो अलग अलग गुटों के नेता हैं, समर्थक हैं उनके, वो दरअसल आपस में उलझ गए। तमाम बड़े नेताओं की ओर से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है जिनके नाम पर नारेबाजी है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए। सरबजीत, आखिरकार कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है? ये कोई एक जगह का हाल हो तो समझ आए, लेकिन ये तो हाल अनेकों स्थानों का है, चाहे जींद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, करनाल, चरखीदादरी, नारनौल, जब जब जिस जिस तरह से समय गुजर रहा है उस दिन एक नया प्रकरण सामने आ रहा, लगातार तीसरा दिन है। आखिरकार यमुनानगर में क्या हाल है, क्या कुछ हुआ है आज? जिस तरह से देखा जाए, आज जो है यमुनानगर में ऑब्जर्वर आए थे जिसको लेकर आज जो कार्यकर्ता थे उनके साथ उनकी बैठकर बातचीत होनी थी, लेकिन कैसे ही ऑब्जर्वर यहाँ आते हैं तो दो गुट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सैलजा गुट जो है, वो कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आए और दोनों का ही आपस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो धक्का मुक्की ही नहीं, गाड़ी गुलोच तक बात पहुंच गई और सैलजा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ जो है वो लगाए गए हैं, जिसको लेकर जो सैलजा गुट के लोग थे उनमें काफी रोष देखने को मिला। उन्होंने हुड्डा गुट के साथ जो है झड़प भी की है और कहीं ना कहीं देखा जाए गाली गलौज, धक्का मुक्की और रात दूसरे तक जो है वो बात पहुंच चुकी थी। हालांकि कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही कांग्रेस एक ही पार्टी के एक ही गुट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में इनकी जो धक्का मुक्की है वो कहीं ना कहीं इनकी जो गुटबाजी है उसको जो बिल्कुल उजागर करती है, क्योंकि आज जहाँ प्रवेक्षित जहाँ आए हुए थे उन्होंने सबकी बात सुनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर जो है उनको कमरे के अंदर खुद को बंद करना पड़ा क्योंकि इतनी ज्यादा धक्का मुक्की थी इसको लेकर। हालांकि उसके दूसरे ऑब्जर्वर थे जो ऊपर के साथ भी चाह रहे थे उनको दरवाजा खटकाना पड़ा, लेकिन अंदर से जो है वो दरवाजा नहीं खोला गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपसी जो गुटबाजी है, हालांकि इनके जो प्रदेश प्रभारी है उन्होंने आपस में गुटबाजी को दूर रखकर एक होने की जरूर बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी गाहे बगाहे जो है वो सामने आ जाती है, जिस तरह की आज बात करें करनाल में भी हुआ है और भी हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी इस तरह की घटनाएं हुई है और उनके अंदर यमुनानगर भी अछूता नहीं है, कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। जी,
सरबजीत जी, कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कि ये मतभेद है, मनभेद नहीं है, गाली गलौज की स्थिति बन रही है, नौबत हाथापाई तक पहुंच रही है, तो क्या इसे अभी भी मतभेद समझा जाएगा? और दूसरी बात ये, अगर इतनी स्थिति विकराल रूप से अभी दिखाई दे रही है समर्थकों में, और अगर सूची जारी हो जाती है, मान लेते हैं तमाम चीजों पूरी होने के बाद, तो क्या हाल होगा? क्या कुछ तस्वीर उस वक्त पेश आएगी? फिर देखिए, बिल्कुल रितेश, जिस तरह से अगर बात करें, हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं मनभेद की बात करते हैं लेकिन मतभेद की बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से आज यमुनानगर का प्रकरण हुआ है, करनाल का प्रकरण हुआ है, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मतभेद के साथ साथ मनभेद भी है, और उन्हीं भेदों के कारण जो है आज धक्कामुक्की गाली गलौज तक बात जो है पहुंच चुकी है। तो आने वाला चुनाव है वो कहीं ना कहीं अगर एक गुट को टिकट मिलता है तो दूसरा गुट हो सकता है कि उसके पैरेलल कहीं ना कहीं खड़ा नजर आएगा, जिससे कांग्रेस को जो है आने वाले चुनावों में काफी नुकसान जरूर हो सकता है। और हालांकि यमुनानगर की बात करें तो यहाँ जिस तरह के हालात हुए हैं उस पर जो सीनियर नेता है वो कहीं ना कहीं लीपापोती करते नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, मारपीट और गुंडागर्दी जैसी तस्वीरें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की आपसी जो गुटबाजी है उसको जरूर उजागर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो खुद आपस में नेता हैं और समर्थक हैं उनके, वो उलझ रहे हैं, जमकर बयानबाजी, जमकर गाली गलौज की स्थिति भी यमुनानगर में पैदा हुई है, हमारे सहयोगी ने बताया है। Yeah।